Today, I am going to discuss the detailed analysis of the economic syllabus. Let's start. Okay, the first topic I'll cover is economics and introductions. Basically, we will discuss definitions of economics given by different economists, merits, demerits, what is economics, and central problem of economics, that is what to produce, how to produce, when to produce, and whom to produce. Okay, the second topic is micro and macroeconomics. ठीक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स छोटी बोलते हैं, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा. थर्ड इज इकोनॉमिक्स टाइप्स. हमारी इकोनॉमिक टाइप्स क्या क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो किस कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमी यूज होती है ये हम डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी होती क्या है. फोर्थ, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई में वी विल डिस्कस व्हाट इज डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेम सप्लाई में भी हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. दीज आर द पॉइंट्स वी विल कवर इन सप्लाई. ओके, फेमस थ्योरीज, फेमस थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे विच वॉज गिवन बाई डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. नेशनल इनकम, वी ऑल नो नेशनल इनकम, देश की इनकम क्या है, मतलब नेशनल इनकम. उसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, कंट्री की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है और सेविंग्स का है. बेसिकली इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि एक कंट्री कौन से सोर्सेस से पैसे अर्न करती है, कहाँ कहाँ वो पैसे एक्सपेंडिचर इनकर करती है और व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स जहां पे वो सेविंग्स करती है. तो ये सारी पॉइंट्स हम इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पे डिस्कस करेंगे. मनी एंड बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मनी, पैसा, पैसा क्या है, कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, क्या है. बैंकिंग, बैंकिंग में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंकिंग पॉलिसी, हर चीज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग में. फिर आता है फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल डेफिसिट्स. तो देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है. फिस्कल पॉलिसी बेसिकली इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा इंडिया में बजट तैयार होता है वो फिस्कल डेफिसिट माना जाता है. बजट हमारा हमेशा ही फिस्कल डेफिसिट होता है. ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल डेफिसिट्स में. द नेक्स्ट पॉइंट इज आरबीआई एंड इट्स रोल इन डिटेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, वो क्या है, कैसे कैसे वो काम करता है आरबीआई डिफरेंट बैंक्स के साथ, किस तरीके से ऑपरेट करता है अपने सिस्टम को, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लेटेस्ट स्कीम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो कि करंट अफेयर टॉपिक होगा. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट जो है लाती रहती है, तो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे. कभी कभी कैसे स्कीम्स कब आई, कैसे आई, वो स्कीम्स के अंदर क्या बेनिफिट्स है, क्या किसको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड होगा, ये सारी चीजें हम लेटेस्ट स्कीम्स में पढ़ेंगे जो कि हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होगा. टैक्स सिस्टम इन इंडिया. ओके, टैक्स सिस्टम आपको पता है कि हर एक इंडियन नागरिक को टैक्स भरना पड़ता है, तो उस टैक्स भरने का भी एक सिस्टम है. तो वो सिस्टम क्या है ये हम डिस्कस करेंगे टैक्स सिस्टम इन इंडिया में. फाइव ईयर प्लान्स ऑफ एंड फाइनेंस कमीशन. फाइव ईयर प्लान्स जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कि फाइव ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस किस एरियाज में उनको जो है करना है, काम करना है, किस किस एरिया में उनको जो है प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीजें वो प्लान करती है
और फाइनेंस कमीशन देखती है कि कहाँ पे पैसे कितने कैसे लगाने हैं, बेसिकली पैसों से रिलेटेड काम करती है। फाइनेंस कमीशन का काम है ये देखना कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं, जहाँ पे हमने सोच रखा है कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पे हमें में करना है प्रोग्रेस, सेकेंड ईयर में यहाँ पे, थर्ड ईयर में, तो उस हिसाब से हर ईयर का जो हमने प्लान बना रखा है तो उसके प्लान के अकॉर्डिंगली कितना पैसा, कितना फंड हमें लगेगा, रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज वो फाइनेंस कमीशन देखती है। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मॉनिटरी पॉलिसी एंड इट्स डिटेल्स। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है और इसके सारा डिटेल, मॉनिटरी पॉलिसी जो है आरबीआई गवर्न करती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एंड इट्स रोल, फाइनेंस कमीशन क्या है, कैसे काम करती है, क्या उसका रोल है इंडिया में, ये सारी चीजें हम फाइनेंस कमीशन एंड इट्स रोल में देखेंगे डिटेल्ड में। टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, कितने कितने प्रकार के गुड्स हैं हमारी इकोनॉमी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे हैं, इस बारे में हम पता लगाएंगे। इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स, इन्फ्लेशन के बारे में पता लगाएंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन अगर आपके आपका देश में इन्फ्लेशन है तो उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, मार्केट में, हर चीज को लेके क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, ये हम डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन सेक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों के बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल, एक्सटर्नल सेक्टर्स और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल करेंसीज के बारे में हम जानेंगे कि हमारी कंट्री से के रिलेशन में फॉरेन करेंसीज का क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट करती है फॉरेन करेंसीज हमारी इकोनॉमी को, ये सारी डिस्कशन हम फॉरेन करेंसी में करेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने प्रकार का मार्केट आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कितने प्रकार के मार्केट हो सकते हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मार्केट्स होते हैं, ठीक है। फेमस इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्यूशंस होते हैं तो उसमें से फेमस इकोनॉमी रिवोल्यूशंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे के मतलब हमको पता है, लाइक जांच पड़ताल करना, एक तरीके से देखना कि क्या चीज कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, प्लान के अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं है। तो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में हम ये देखेंगे कि जो भी हमने इकोनॉमिक से रिलेटेड प्लान्स किए थे उस प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सर्वे के थ्रू हमें पता चलेगा। बजट, सबसे बड़ी बात, बजट क्या है, इंडिया का बजट कितना आया, कैसे आया, हर साल बजट डिसाइड होता है तो बजट में हर साल डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट ऐलान होता है सरकार का, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि बजट, इस साल का बजट क्या है। नीति आयोग जिसको पहले प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता था, उसका क्या काम है, कैसे काम करती है प्लानिंग कमीशन, क्या करती है, उसका क्या रोल है अपनी इंडियन इकोनॉमी में, ये सारी डिस्कशन हम नीति आयोग के अंतर्गत करेंगे। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी डिस्कशन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, ठीक है, इसका काम है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी का काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, जो भी सारी कंट्रीज हैं उनको रेट करना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हम ये भी देखेंगे हमारी इंडिया किस एरिया में कहाँ पे रेटिंग सिस्टम में है। इम्पॉर्टेंट कमिटीज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कमिटीज होती हैं तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है और कितनी पावर्टी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके, चलिए, तो फिर ये सारी टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे और मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू।
जो एंड